क्यों भाई, चंद्र बाबू घर में हैं? वकील साहब घर में नहीं है। दीदी तो घर में है। क्या कहा? हम रूपा के भाई हैं। आप बहू रानी के भाई हैं? आइए आइए, तशरीफ लाइए। माता जी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। आइए। नमस्ते सेठानी जी। अरे बुद्धू, तुम्हें हजार मर्तबा कहा है कि हमें और नौकरों की जरूरत नहीं, ये सब रिश्तेदार कहाँ से लाता है? माँ जी, ये बहू रानी के भाई हैं। हाँ? अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा अपना काम कर। नमस्ते माँ जी। नमस्ते सेठ जी। कौन चूबे बेशर्म, मेरा मगज चाटने क्यों आया है? जा ऊपर जा, तेरी बहन ऊपर मरती है। भैया ये कैसे लोग हैं, नमस्ते का जवाब ही नहीं देते, क्या शहर वाले इतने बदतमीज होते हैं? गुलाब चलो ऊपर चले। दीदी दीदी, गुलाब गुलाब। भैया। रूपा। दीदी मैं तुम्हारे लिए गांव से फल लाया हूँ, कहाँ रखूँ इन्हें? वहाँ रख दो। कब आए भैया? सीधे यहीं तो चले आ रहे हैं। गुलाब, दीदी तुम इतने अच्छे फल खाती हो, तुम्हें ये फल पसंद नहीं आएंगे? नहीं गुलाब, तुम्हारे फल और मुझे पसंद ना आए कोई क्या जाने, कि इनमें मेरे प्यारे भाइयों का कितना प्यार भरा है। दीदी अब हम हमेशा के लिए यहाँ आ गए हैं, और भैया भी यही काम ढूंढ लेंगे। भैया। हाँ रूपा, तुम चली आई और घर सूना सूना हो गया। मैंने मकान का कब्जा महाजन को दे दिया है, यहाँ गुलाब की तालीम भी अच्छी तरह हो सकेगी और तुम भी आंखों के सामने रहोगी। रूपा ये तो बताओ, तुम सुखी हो? बहुत सुखी हूँ भैया, मैं क्या थी और क्या बन गई, एक गरीब गंवार लड़की, भाइयों ने उसे महल में पहुंचा दिया है। सास ससुर तो अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। बहुत अच्छा। रूपा, अरे ओ रूपा। आई माता जी, मैं अभी आती हूँ भैया। तेरे भाई यहाँ क्यों आए हैं? मुझे मिलने आए हैं। तो अभी तक मिलना मिलाना खत्म नहीं हुआ, चले आए हैं बोरी बिस्तर बांध के जैसे उनके बाबा की जागीर है इधर में। उनसे साफ साफ कह दो इस घर में नहीं रह सकते, बहन के घर में जो भाई रहता है वो कुत्ता कहलाता है। हाँ। माता जी कह रही थी तुम्हारे भाई आए हैं, उनकी अच्छी तरह खातिर करना। तो फिर करो ना खातिर, कहो क्या चाहिए। दीदी तुम्हारा मकान तो बड़ा शानदार है, तुम लोगों की बदौलत है। दीदी इस डब्बे में क्या है? रेडियो, सुनोगे? रेडियो। करवट तो बदलने दे ऐ दर्द जरा दम ले, करवट तो बदलने दे अरमान भरे दिल को, अरमान भरे दिल को, पहलू में संभलने दे ऐ दर्द जरा दम ले, करवट को बदलने दे। No!
जी खफा हो रही है, रेडियो बंद करने को कहा है। किस जंगली घर की बहू आई है, इनके रिश्तेदारों का मुंह देख देख कर हमारे नौकर भी हंस रहे हैं। अच्छा रूपा, अब हम लोग चलते हैं। इस वक्त कहाँ जाओगे भैया? बहन के घर तो नहीं ठहर सकते। उनको तो आ लेने दो। नहीं, अब बहुत रात हो गई है, अभी कहीं ठहरने का ठिकाना भी ढूंढना है, और फिर अब तो यही है, मिलते रहेंगे। अच्छा चलो गुलाब। अच्छा दीदी। जीजा जी। अरे बाबा, गुलाब गुलाब। मोती भैया नमस्ते। नमस्ते भाई। आप अभी चले आ रहे हैं? जीजा भैया, हाँ? अब हमेशा के लिए यहाँ आ गए। अच्छा, तो क्या नौकरी? नौकरी वगैरह यहीं कहीं शहर में ढूंढ लूंगा। बहन चली आई, हमारा भी जी गांव में नहीं लगा। तो फिर चलिए अपने घर चलिए। नहीं, फिर कभी मिलेंगे। अभी कहीं मकान वगैरह ढूंढना है और ये सामान भी ठिकाने लगाना है। अरे तो ये घर किसका है मोती भैया? नहीं, आप भी क्या बातें करते हैं, बहन के घर तो नहीं रह सकते। आप भी 10वीं सदी के लोगों की तरह बातें कर रहे हैं मोती भैया। चलिए आइए, आइए चलो। आपकी माता जी कह रही थी जो भाई अपनी बहन के घर रहता है वो कुत्ता कहलाता है। गुलाब। अच्छा भैया, फिर कभी मिलेंगे, चलते हैं। चलो गुलाब। जीजा भैया, रोज रोज मिला करेंगे। चलो। मुझे भैया और भाभी की हालत पर बहुत रहम आता है, डरती हूँ उनका अंत क्या होगा। क्या करें, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। तुम्हारे माता पिता को समझाने में तो 99 का घाटा है, जो समझाता है वही बुरा बनता है। लेकिन फिर भी हमें चंद्र भैया के लिए एक दफा कोशिश और करनी चाहिए। तुम्हारे भैया से ज्यादा तो मुझे बेचारी उस भोली भाली लड़की का ख्याल है। क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकता। सास के सामने जाता हूँ तो डर लगता है। सर, माता जी से तो बात करनी फजूल है। हाँ, मैं पिताजी से साफ साफ जाकर कह देती हूँ। पिताजी, आप इस घर में सबसे बड़े हैं, और अगर आप ही कानों में रुई डाल लेंगे तो इंसाफ कौन करेगा। क्या बात है? एक भोली भाली बेजबान लड़की इस घर में बहू बनकर दाखिल हुई है, और उस पर इस किस्म के जुल्म हो रहे हैं। उसके भाइयों को गालियां दी जा रही हैं, और आप बैठे तमाशा देख रहे हैं। राधिका। और इतना ही नहीं पिताजी, चंद्र भैया की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। वो अंदर ही अंदर घुले जा रहे हैं, न बीवी को दिलासा दे सकते हैं, न माँ के सामने कुछ बोल सकते हैं। अगर आपने ये सब कुछ ना रोका पिताजी, तो किसी दिन बहू बेटे दोनों से हाथ खो बैठिएगा। तुम ठीक कहती हो राधिका। ठीक क्या कहती है, शर्म नहीं आती माँ के खिलाफ बाप को भड़काती है। कल वो इस घर में आए और तुम सबकी बड़ी बन गई। हेलो, हाँ मैं हूँ, कौन? मुनीम जी, क्या कहा? 1.5 लाख का नुकसान? हाय, 1.5 लाख का नुकसान, लूट गए हम, घर बर्बाद हो गया हमारा। चुप रहे, ये सब तेरी बदौलत है, और जुल्म करो बहू पर। मैं ही बुरी हूँ, सब इल्जाम लगाओ मुझ पर। जब मेरे कदम इस घर में पड़े थे तो सबसे भाग जाग उठे थे, जब उसके मनहूस कदम इस घर में पड़े तो नुकसान ही नुकसान होने लगा, मनहूस कहीं की। माता जी, मैं भी तो आपकी लड़की हूँ, अगर मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा सलूक करें तो बड़ी खुशी होगी आपको देखकर। वो बेचारी किसी के सामने बोलती नहीं, इसलिए उसके चुप रहने का सब फायदा उठाते हैं। तू भी बोलने लगी? चुप रहे। हाँ भैया, ये सब आपका कसूर है, पति पत्नी की रक्षा ना करे तो और कौन करेगा। दुनिया तो तमाशा देखने के लिए है, आपने इन सबको सर पर चढ़ा रखा है, जो आज बहू की इतनी बेइज्जती हो रही है। बेटा, 1.5 लाख का नुकसान हो गया। लुट गए हम बेटा, ना उसके मनहूस कदम इस घर में पड़ते, ना हमको ये सब नुकसान। माता जी, आपको ऐसी बातें करते शर्मानी चाहिए। आप जो फायदा होता है तो आप लोगों की जेब में जाता है, जो नुकसान होता है तो खरीद कर बन गया। इसकी शराफत और नरमी का ये फल दे रही हैं आप उसे? सच्ची बात तो कहनी ही पड़ेगी, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे भली। आपको सच कहना नहीं आता माता जी, आपकी जबान से जहर उगलने जाती है। मैं पंडित को बुला के फैसला करती हूँ, ज्योतिष तो झूठ नहीं कहेगा, सर जान पड़ेगा किसने हमारी किस्मत पलट दी। चुप रहे, तू जा नहीं। जा, जा।
भैया कोई नौकरी मिली? नौकरी तो एक जगह मिलती थी, लेकिन चंद्र के पिता ने जमानत देने से इनकार कर दिया। मैं चंद्र भैया से कहूंगा। अरे पगले, बाप की शिकायत बेटा क्या सुनेगा। भैया कितने की जमानत मांगते हैं? 500 रुपए की। शेर चुनीलाल जुबानी ही कह देते तो बहुत काफी था, लेकिन वो तो मुझे पहचानते भी नहीं। अच्छा मैं जाता हूँ। कहाँ? दीदी के वहाँ। दीदी, दीदी, गुलाब, दीदी, चंद्र भैया कहाँ हैं? वो तो पूना गए हैं किसी मुकदमे के लिए। वो पूना गए? क्यों, क्या बात है? भैया को नौकरी मिलती है मगर 500 रुपए की जमानत चाहिए और चंद्र भैया भी पूना गए हैं। हमारी किस्मत। गुलाब ठहरो। ये लो गुलाब, ये लो गुलाब। क्या दे रही है भाई को? अरे राम राम, इतने रुपए? हमारा घर लूट लूट कर भाइयों का घर भर रही है। हे भगवान, किन भिखारियों से हमारा पाला पड़ा? माता जी, चोर कहेगी, दिन दिहाड़े डाका डाल रही है। ये रुपए तो मुझे उन्होंने दिए थे, भाई को तो उधार दे रही थी। उधार दे रही थी? इतने रुपए? सारी उम्र उतार सकेगा तेरा भाई? खबरदार, इस घर से एक पैसा भी दिया तूने तो। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, जा यहाँ से। अच्छा, ये जेवर तो मेरे जहेज के हैं, ये लो। अरे पागल हो गई हो? आप तो दान दे रही थी। अरे दान तो ब्राह्मणों को दिया जाता है, ना कि इन कंगालों को। इस घर का कूड़ा करकट भी इनको नहीं मिल सकता। निकल यहाँ से। जा गुलाब, और फिर कभी इस घर में ना आना। इस घर में इंसान नहीं, जानवर बसते हैं। जानवर? कौन है जानवर? तेरा पति या तेरे सास ससुर? दीदी, दीदी के बच्चे, निकल यहाँ से। जा गुलाब, और भैया से ना कहना, उन्हें बहुत दुख होगा। माता जी, पंडित जी आए हैं। पंडित जी आए हैं? अच्छा अच्छा, ये लो। क्या बताऊं पंडित जी, जब से बहू इस घर में आई है हमारी तो किस्मत पलट गई। वो मैं सब समझ गया सेठानी जी, लेकिन ये रुपया कुछ कम है। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि ज्यादा रुपये मिलने से मेरी समझ तेज हो जाएगी और आपका काम यूं। अच्छा अच्छा, ये लो। चंद्र की जन्म पत्री बड़ी भाग्यशाली है, लेकिन स्त्री की जन्म पत्री बिगड़ डालती है। क्या कहते हो पंडित जी? बहू का कदम घर में अच्छी घड़ी नहीं पड़ा, कष्ट और हानि का डर है। इसका कुछ उपाय पंडित जी? हाँ उपाय है, बहू को प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं प्रायश्चित करूंगी। अजी 40 दिन लग जाएंगे। मैं तैयार हूँ। और वो अकेली रहेगी यहाँ तक कि पति का मुंह भी देख ना सके। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये अन्याय है, ये अन्याय है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रूपा, 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 रूपा। अरे ये क्या लक्षण है तेरे? पंडित जी का अपमान करने का तुझे क्या हक था? सच कहा है लोगों ने, छोटे घरों में रिश्ता नहीं करना चाहिए। अरे तुझसे कह रही हूँ, मुंह छुपाती है, हाँ? खबरदार जो मेरे घर में आंसू बहाए तो। माता जी, आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन मैं उनसे अलग नहीं रह सकती। हाँ हाँ, मेरे सामने बोल रही है। भगवान के बाद मेरी नजरों में उनकी जगह है, वो मेरे देवता है, मैं उनके लिए मनुष्य नहीं हो सकती। पंडित जी झूठ कह रहे थे, तेरी जन्म पत्री में गलत लिखा है। मेरा हर सांस उनके लिए दुआएं मांगता है। 40 दिन तो क्या, 40 साल सारी दुनिया का मुंह न देखूंगी, मगर उन्हें मुझसे न छीनिए, वही तो एक मेरा सहारा है। बकवास बंद कर, इस घर की भलाई के लिए नहीं बल्कि तेरे पति के बेहतरी के लिए है, तुझे मानना ही पड़ेगा। उन्हें पूना से आ लेने दीजिए, अगर वो कहेंगे तो मैं ये भी कर लूंगी। वो कौन होता है कहने वाला? जैसे पंडित जी ने कहा है तुझे मानना पड़ेगा, और मैं 40 दिन तक तेरे कमरे का दरवाजा नहीं खोलूंगी। माता जी, आपने आज तक जो कुछ कहा मैंने सहा, क्योंकि उनकी हल्की सी मुस्कुराहट मेरे सब दुख भुला देती है। मैं इस मुस्कुराहट से महरूम नहीं रह सकती। क्या भक्ति है? उनके सिवा मेरा इस घर में कोई नहीं, अगर वो भी मुझसे न मिल सके तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता। रूपा, मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती भैया। रूपा, तुम्हारी आंख में आंसू? आंसू तो बहुत देर से उमड़ रहे थे भैया, मगर अब छुपाने की भी ताकत नहीं रही मुझमें। रूपा, मैंने तुम्हारी नसीहत पर बहुत देर अमल किया भैया,
नौकरों से बुरी हालत थी मेरी ससुराल में, वो तुम्हें गालियां देते, मेरा खून खौलने लगता, मगर मैं चुप रही। मेरी सास ने मुझे मारा, मेरे बाल नोचे, मैंने उफ तक न की। गुलाब को इस बेरहमी से पीटा, मैं खड़ी देखती रही, दिल में हजारों गम लेकर अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखी। लेकिन अब क्या बात हुई है? वो मुझसे मेरा पति छीन रहे हैं, मुझे कहते हैं मैं मनहूस हूँ, मुझे 40 दिन तक उनसे अलग रहना होगा। मैं घर से आ गई हूँ भैया। रूपा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी भैया। मैं बर्तन साफ करूंगी, कपड़े सीऊंगी, झाड़ू दूंगी। रूपा, अगर मुझे अपनी चमड़ी बेचकर तुम्हारी एक मुस्कुराहट खरीदनी पड़ती तो मैं कभी गुरेज न करता, मगर तुमने अपने जीवन पर धब्बा लगा लिया है। लड़कियां ससुराल से लड़कर मैके नहीं आया करती। भैया, मैं वो हाथ तोड़ देता जो तुम पर उठे, अगर वो हाथ तुम्हारी सास के न होते। बड़े भाई ने बाप की जगह कन्यादान की रस्म अदा की है, अब उस घर के आगे हमें हमेशा झुकना है। वो मेरा घर नहीं है भैया। वो तुम्हारा घर है रूपा। ससुराल में लड़कियों की डोली दाखिल होती है तो अर्थ ही निकलती है वहां से। भैया, आज तुम मुझे जो सुना रही हो उसकी धुंधली सी तस्वीर मैं पहले भी देख चुका हूँ। तुम्हारी शादी से पहले मैं चाहता था कि तुम्हें आगाह कर दूं, लेकिन उस दिन तुम्हारी आंखों में इस कदर खुशी नाच रही थी कि मेरी हिम्मत न हुई। भैया, मैं आज तुम्हें फिर नसीहत करता हूँ, जाओ अपनी सास के पास जाओ। मुसीबतों से डर कर भागाना बुरी है, तुम्हें अपने प्यार और अपनी सेवा से उन सबको जीतना है। इसी में तुम्हारी इज्जत है और इसी में तुम्हारे भाइयों का मान है रूपा। जाओ जाओ। दर दर की ठोकरें हैं, दर दर की ठोकरें हैं, दुश्मन मेरा जहाँ है, दर दर की ठोकरें हैं, दुश्मन मेरा जहाँ है, फूटा नसीब लेकर जाना मुझे कहाँ है, फूटा नसीब लेकर जाना मुझे कहाँ है, दर दर की ठोकरें हैं। भटका हुआ है राही है पाँव डगमगाते, कर दीजिए। बस निकल गया दिमाग से कीड़ा, कह रही थी घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तुझे कोई भीख भी ना देगा भीख। मैं पागलपने में न जाने क्या क्या बक गई थी, क्षमा कर दीजिए। आप जो कहेंगी मैं वो ही करूंगी। अरे पगली, मैं कोई तेरी दुश्मन थी? मैं तो तेरे ही भले के लिए कह रही थी। पंडित जी तो कह रहे थे अगर बहू ने प्रायश्चित ना किया तो चंद्र की जान। माता जी,
मैं कह रही हूँ कि मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। सिर पे आ गया है और तू अभी तक सो रहा है। ले जा, जरा की मिठाई खा ले। और भैया तुम? मैंने अभी अभी हलवा खाया है। आज जरूर कोई ना कोई नौकरी मिलेगी। कल भाई दूज है, रूपा आएगी, उसे भी तो कुछ देना होगा। भैया अपने बीवी पर भी तो कर्जा मिल सकता है, दीदी के लिए कोई अच्छा तोहफा खरीद लो। अरे अभी दो ही किस्तें तो अदा की है, कर्जा कैसे मिलेगा? और फिर वो तो तेरी अमानत है। भैया मैं तो चाहता हूँ गांव वापस लौट चले। अरे गांव में अपना कौन धरा है, और फिर तू क्यों फिक्र करता है, मैं सब ठीक कर लूंगा। जा जा तू मिठाई खा ले जाके। वाह रे जमाने, क्या दिन दिखाए तूने, कैसे जिंदगी बसर कर रहे थे और अब क्या दिन काट रहे हैं। कोई नौकरी खाली है? हम जो हैं उन्हें निकालने की सोच रहे हैं, तुम्हें नौकरी कहां से देंगे? ये? मुझे नौकरी की तलाश है। बस नो वैकेंसी का बोर्ड नहीं लगा हुआ है? क्या मांगता है? नौकरी। कोई जगह खाली नहीं दिखता है? नहीं अदर भैया, भैया मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये देखो गुलाब, तूने चोरी की है क्या? नहीं तो क्या भीख मांगी है? नहीं भैया। तो फिर ये सब कहाँ से आया? मेहनत की है भैया। मेहनत? हाँ भैया, सुबह तुमने मुझे चार आने दिए थे ना, दो आने की मैंने बूट पॉलिश की डब्बी ली और दो आने का बुरी, दिन भर फिरा, बूट पॉलिश करता था और गाना गाता था। धीरे धीरे पैसे, दो पैसे आने से जेब भर गई। बूट पॉलिश करवा ले बाबू, बूट पॉलिश करवा ले, बूट पॉलिश करवा ले, बूट पॉलिश करवा ले बाबू, बूट पॉलिश करवा ले, बूट पॉलिश करवा ले। तू जाने वाले देख सरा कोई दर्द तुझे पुकारे, तू जाने वाले देख सरा कोई दर्द तुझे पुकारे, बूट पॉलिश करवा ले बूट पॉलिश करवा ले बाबू, बूट पॉलिश करवा ले, बूट पॉलिश करवा ले। यूं यूं चमके बूट तुम्हारे, किस्मत मेरी जागे, किस्मत मेरी जागे, किस्मत मेरी जागे, तेरे बूटों के चश्मे है मेरे जीवन भागे। दौलत वाले होते हैं मजदूरों के रखवाले,
दौलत वाले होते हैं मजदूरों के रखवाले, बूट पलिश करवाले, बूट पलिश करवाले बाबू, बूट पलिश करवाले, बूट पलिश करवाले। आशा के दो आंसू आंखों में ही पीने दे, आशा के दो आंसू आंखों में ही पीने दे, लाख दुआएं देंगे तुझको मस्कीनों मोदी ने दे, लाख दुआएं देंगे तुझको मस्कीनों मोदी ने दे। हम भी तेरे देश के हैं ओ दाता रहने वाले, हम भी तेरे देश के हैं ओ दाता रहने वाले, बूट पलिश करवा ले, बूट पलिश करवा ले बाबू, बूट पलिश करवा ले, बूट पलिश करवा ले। भैया गुलाब, आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। अगर ये नन्हे नन्हे हाथ दिन भर बूट पॉलिश कर सकते हैं तो क्या मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता? ये क्या कह रहे हो भैया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज पहली दफा जिंदगी में तुम्हारे भाई ने कुछ कमाया है। लो खा लो, अगर तुम ना खाओगे तो मैं इस वक्त फेंक दूंगा और मोटर के नीचे आके जान दे दूंगा। ये पैसे कलंक दीदी को देंगे, वो टीका लगाने आएगी ना? हाँ हाँ जरूर आएगी। लेकिन माँ जी उसे इजाजत देंगी? नहीं, पूरे 40 दिन तक बहू कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए माँ, मैं आज रूपा को यहाँ से ले जा रहा हूँ। उस बिचारी को मैं आप जैसे बेहतर लोगों के रहम पर नहीं छोड़ सकता। आज आप लोगों ने उसे कैद कर रखा है, कल आप उसका गला घोंट देंगी। ये तुझे क्या हो गया है बेटा, घर की भलाई के लिए पंडित जी ने उसे प्रायश्चित करने के लिए कहा? घर की भलाई चाहती है तो आप खुद प्रायश्चित क्यों नहीं करती माँ? उस बेचारी ने ऐसा कोई दोष नहीं किया, आखिर आप सब लोग मिलकर इस तरह उसके पीछे क्यों पड़ गए? दीदी की खातिर तुम माँ से ऐसी बातें करते तो ये शर्म नहीं आती? अगर एक मासूम को किसी दरिंदे के पंजे से बचा लेना बेशर्मी है माँ, तो मुझे अपनी बेशर्मी पर नाज है। तुझे क्या हो गया है बेटा, आखिर ये तेरा घर है, हमने सर पे थोड़ा ही उठा लेना है। पंडित जी मुझे कैसे प्रायश्चित करने के लिए तो मैं तैयार थी। बाहर में जाए आपके पंडित और आपकी जन्म पत्री, मैं अपनी पत्नी का खून आपके दिल बहलाने के लिए नहीं कर सकता। मुझे चाबी दे दो माँ। माँ मैंने कहा मुझको चाबी दे दो, कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए माँ। ले उजाड़ दे घर को, बर्बाद कर दे मेरी बला से, ना जाने उस चुड़ैल ने तेरे पे क्या जादू किया है। रूपा, रूपा ना, आप यहाँ? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ रूपा। मैं नहीं जा सकूँ जनाब। तुम्हें क्या हो गया रूपा, क्या तुम पत्थर की बनी हुई हो? तुम्हारे पहलू में दिल नहीं है क्या? आखिर तुम इस बेइंसाफी और जुल्म के खिलाफ बगावत क्यों नहीं करती? मैं ये सब अपनी खुशी से कर रही हूँ। तुम अपनी खुशी से रो रही हो, अपनी खुशी से आंसू बहा रही हो, तुम्हारी खुशी तुम्हारी आंखों में छलक रही है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चलो रूपा यहाँ से चले जाएं। रूपा नाथ, देखो ये सब तुम्हारी शराफत से फायदा उठा रहे हैं, बेइंसाफी की हद हो चुकी है रूपा, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर 40 दिन तो। हाँ हाँ बेटा, सिर्फ 40 दिन, पंडित जी ने कहा है। पंडित होंगे तुम्हारे लिए, जिन्होंने तुम जैसी बुद्धू औरतों का दिमाग खराब कर रखा है। क्या एक पंडित के कहने से एक मासूम जान को कैद कर रखना इंसानियत? नहीं नाथ, 40 दिन तो यूं गुजर जाएंगे। वैसे तो सारी जिंदगी यूं गुजर जाएगी। मैंने आपकी कसम खाई है कि आप इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखूंगी। तुम्हें ये बेहुदा कसम तोड़नी होगी रूपा। नहीं नाथ, भगवान की पूजा करने के लिए देवता की कसम खाई है, ये कभी नहीं टूट सकती। अगर तुम गुलामी की जिंदगी हो गई हो कि आजादी की हवा तक तुम्हें गवारा नहीं, तो मैं भी आज कसम खाता हूँ कि अब इस घर में एक मिनट तक नहीं ठहरूंगा। नाथ, नाथ, चंद्र, चंद्र बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे खेल के लिए इस घर में एक खिलौना काफी है माँ। मैंने कहा सुन, चंद्र घर छोड़कर जा रहा है। नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकते। चंद्र बेटा कहाँ जा रहा है? घर में एक सांस लेना भी मेरे लिए पाप है पिताजी। नहीं नहीं बेटा, मुझे छोड़ दो माँ, मुझे छोड़ दो। जाने दो, कहाँ जाएगा, सुबह तक मगर ठिकाने आ जाएगा उसका। अब क्या होगा? जमाने क्या रंग दिखाए, बहरे जमाने क्या रंग दिखाए,
पल में हंसाए पल में रुलाए क्या रंग दिखाए बाहरे जमाने क्या रंग दिखाए मोहब्बत का नन्ना दिया टिमटिमाया पहले ही झोंके ने आकर बुझाया आंखों में तारीकी दिल में अंधेरा आंखों में तारीकी दिल में अंधेरा पग पग ठोकर खाए पग पग ठोकर खाए क्या रंग दिखाए बाहरे जमाने क्या रंग दिखाए देखे सुहागन हाथों की मेहंदी को देखे सुहागन आंखों में आंसू सुना है आंगन आंखों में आंसू सुना है आंगन खुशियों के दिन तो बीत चुके हैं खुशियों के दिन तो बीत चुके हैं रह गई हाय हाय क्या रंग दिखाए बाहरे जमाने क्या रंग दिखाए पल में हंसाए पल में रुलाए क्या रंग दिखाए बाहरे जमाने क्या रंग दिखाए छुट्टी नहीं है काफिर मुझसे लगी हुई सुनते हैं इसके पीने से गम गलत होता है थोड़ी देर लेकिन दूसरे दिन गम और बढ़ जाता है दूसरे दिन की किसको परवाह है सोडा रख दो बिस्की वापस ले जाओ बॉय अच्छा भगवान तुम्हारा भला करे अरे बैठिए ना साहब कुछ देर साथ रहेगा अब साथ की क्या जरूरत ये एक साथ ही तड़प करने के लिए काफी है यार नया मुर्ग मालूम होता है हाँ यार चलो फंस गया तो रात सफल हो जाएगी तो चलना ही चाहिए जरूरी बात है चलो लीजिए अब 50 शो कीजिए दो गुलाम सब दो बादशाह वाह 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 ले जा अभी 5 रुपया डाल दीजिए 5 50 आप हम भी गए आप भी गए जी लीजिए साहब 50 हम आ गए 50 50 जी हाँ 200 और ये 500 आए हम 500 जी हाँ 500 देखो भाई जी मेरे पास पैसे खत्म हो गए चेक लोगे चेक हाँ कुछ बात नहीं है कोई बात नहीं
चलेगा चलेगा। हाँ लीजिए पहन लीजिए पहन लीजिए। पाँच सौ जी शो कीजिए मेरे पास तीन बेग। आहा साहब इधर तीन जक्के हैं। वाह 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 वाह। और अच्छा अब हम जाते हैं। ज्यादा मेरी मेरी किस्मत खराब थी। अब तो थोड़ी देर ठहर गया क्योंकि हमारी बीवी इंतजार करती होगी। बीवी इंतजार कर रही जी। बीवी इंतजार कर रही। घबराइए नहीं घबराइए नहीं। कल फिर चलेगी। आज का मतलब कल चुका लेना। आदाब आज का बदला कल चुका दे। कल भी यही कहोगे और परसों भी क्योंकि तुम खेलते हो रुपए जीतने के लिए और हम खेलते हैं गम गलत करने के लिए और सारी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी और फिर कहेंगे इस जन्म का बदला उस जन्म में लिया जाएगा। सब झूठ बकवास। वो मूर्ख हैं जो बदला लेने की उम्मीद रखते हैं। ये तो एक पानी के बुलबुले की मानिंद है जिसे हम देखकर खुश होते हैं भूल नहीं समाते। दीवानावार उसकी तरफ बोलते हैं मगर उसे छूने भी नहीं पाते कि वो फट जाता है। देखते नहीं भैया भाभी के साथ क्या अन्याय हो रहा है। जिन भाइयों ने अपनी बहन को सुखी रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया आज वो इसे इस हालत में देखेंगे तो क्या गुजरेगी उनके दिल पर। दुख और सुख हमेशा नहीं रहते। एक दिन जरूर ये अपमान मान और इज्जत में बदल जाएगा लेकिन कभी कभी दिल दहलता है। आजकल मेरी किस्मत खराब है। कहीं आपने भी आंखें फेर ली तो मेरा क्या होगा। आज तुम्हें मेरी बहन का भोलापन भा गया है लेकिन कल जब उस भोलेपन पर गरीबी के बादल छा जाएंगे मुमकिन है वो तुम्हारी नजरों से गिर जाए फिर क्या होगा उसकी जिंदगी का। बोलते क्यों नहीं जवाब क्यों नहीं देते। खामोश। मैं खामोश नहीं रह सकता। जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने ना आ जाए तुम्हें ये सब सुनना ही पड़ेगा। ठहरो। भागते कहां हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहां भी जाओगे तुम्हारा पीछा करूंगा। मुज़दिल का ए रब्बी वक्त है होश का संभल। क्या उस सबला की दिल चीरने वाली पुकार तुझे नहीं सुनाई देती। सुन गाफिल अपनी पत्नी की दिल चीरने वाली फरियाद सुन। गया दुनिया से मेरा मुझको उठा ले। फरियाद मेरी सुन जरा आत्म वाले जी भर गया दुनिया से मेरा मुझको उठा ले। जीना भी मुफलिसों का दुश्वार कर दिया है। जीना भी मुफलिसों का दुश्वार कर दिया है। इंसान ने इंसान को लाचार कर दिया है। लाचार कर दिया है। मुश्किल में प्रभु कौन सिवा तेरे संभाले। मुश्किल में प्रभु कौन सिवा तेरे संभाले। जी भर गया दुनिया से मेरा मुझको उठा ले।
तू भी सो गया है, किस्मत तो सो गई है, क्या तू भी सो गया है, नैया है अब हमारे, नैया है अब हमारे, तूफान के हवाले, जी भर गया दुनिया से मेरा मुझको उठा ले, फरियाद मेरी सुन ले, फरियाद मेरी सुन ले। फरियाद मेरी सुन ले जरा आसमां वाले, जी भर गया दुनिया से मेरा मुझको उठा ले। चंद्र बाबू आज भाई दूज है, हम लोग इंतजार करते रहे कि रूपा टीका लगाने आएगी, उसके आने से पहले हम लोग कुछ खा भी ना सकते थे। खैर मैं तो बिना खाए काम पर चला आया, आप उसे जाते हमारे यहाँ भेज दीजिएगा। मैं घर नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने घर छोड़ दिया। चंद्र बाबू याद है क्या वादे किए थे आपने मुझसे, क्या आप उसे हर हालत में खुश रखने की कोशिश करेंगे, और आज उसे ये खुशी दे रहे हैं आप। चंद्र भैया, चंद्र भैया नाराज हो गए क्या, माफ कर दीजिए, मैं आपको किसी भी हालत में नाराज नहीं कर सकता, आप मेरे बहनोई हैं, मैं आपके सामने झोली फैलाकर भीख मांगता हूँ, हम भाइयों की वो नहायत ही प्यारी बहन है, उसे जरूर खुश रखिएगा। खाली ही छोड़ गए झोली भिखारी की। खैर मेरी किस्मत, घर ले जाओ। भैया क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, जरा सिर चकरा गया था। अच्छा भाई तुम लोग जाओ, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, हल्का सा बुखार हो तो जाएगा। रूपा आई थी? नहीं तो। नहीं तो आज भाई दूज है ना? माता जी आज भाई दूज है, अब भैया से बेघर हो गया है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, अपना जीवन तबाह कर रहा है। क्यों अब तो बहुत खुश है ना आप? चुप रहे, एक तो जख्म करना और ऊपर नमक छिड़कना। हर जख्म का इलाज किया जा सकता है पिताजी, लेकिन ये कैसा जख्म है कि खून बह जा रहा है, माफ कर रहा है, आपको दर्द तक महसूस नहीं होता? चुप रहे छपरे, तुम दोनों की बदौलत ये सब हो रहा है। अगर आप मेरा कहा मानते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन माता जी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी चंद्र भैया को शराबी और जुआरी का नाम फिर मेरे सामने लिया तो। लेकिन पिताजी वो आपके जिगर का टुकड़ा है, आपकी आंखों का नूर है, इस घर का दीपक है पिताजी। हाँ लेकिन अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, मैंने उस लालक को अपनी जायदाद से भी बढ़कर कर दिया है। जायदाद वो ठुकराता है आपकी जायदाद को, उसकी जायदाद उसकी अपनी पत्नी है, वो निर्दोष जिसे माता जी ने कैद करके रखा है, उस बेचारी को अभी तक ये भी नहीं पता कि उसका पति घर छोड़कर चला गया है। किसी को जबरदस्ती कैद करना सख्त गुनाह है, मैं तो पाप हरगिज़ ना होने दूंगी पिताजी, मैं भैया को भाभी से जरूर मिलाऊंगी। लाइए चाबी माता जी। जब तक 40 दिन ना गुजरे दरवाजा नहीं खुलेगा। हाँ दरवाजा नहीं खुलेगा, दरवाजा नहीं खुलेगा तो मैं तोड़ दूंगी दरवाजे को। राधिका राधिका दरवाजा नहीं खुलेगा। माता जी कोई जवाब नहीं आता, मुझे डर है कहीं। अरे उसे कुछ नहीं हुआ, मैं जो कह रही हूँ नहीं। भाभी माता जी दरवाजा खुलिए, मैं कहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा मैं अपना छत खोल लूंगी। अरे पागल हो गई हो तुम? माता जी मैं अपनी जान दे दूंगी मगर ऐसा न्याय नहीं होने दूंगी। चोट लगनी है, मैं कहती हूँ यहाँ ऐसी नहीं हिलूंगी जब तक आप दरवाजा ना खोलो। मैं खोल देती हूँ। भाभी
देखिए बेचारी की क्या हालत हो रही है। अगर इसे कुछ हो गया तो इसका खून आपके सर होगा। अरे इसे कुछ नहीं हुआ, बहाना कर रही है। किसी की जान चली जाए आपके लिए बहाना है। भाभी 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 कौन राधिका? भाभी मैं अभी आपके जाने का बंदोबस्त करती हूँ। कहाँ ले जाएगी इसे? अपने घर। बड़ी आए घर वाले, चली जाए यहाँ से, मुझे दरवाजा बंद करने दे। माता जी जा। भाभी चलिए आप। नहीं राधिका, मैं कहीं नहीं जा सकती। भैया ने कहा था कि ससुराल से लड़कियों की अर्थी निकलती है, वो जीते जी ससुराल कभी नहीं छोड़ती। लेकिन ये आपका ससुराल नहीं है भाभी। भैया घर छोड़कर चला गया, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, वो अभी घर की परवाह नहीं करता। भगवान ये मैं क्या सुन रही हूँ। राधिका राधिका उन्हें वापिस ले आओ, एक बार मेरा सुहाग मुझे वापिस दिला दो। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी, यहाँ तक कि मैं ये घर भी छोड़ दूंगी। उन्हें वापिस ले आओ, मैं मरने से पहले उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। भाभी मैं वचन देती हूँ, मैं आज ही भैया को घर वापिस लाऊंगी, चाहे मुझे उन्हें घसीट कर ही क्यों ना लाना पड़े। राधिका राधिका तुम यहाँ क्यों आई हो? जहाँ बड़ा भाई आ सकता है वहाँ छोटी बहन के आने में क्या इतराज है? ये शराब खाना है, जानती हो यहाँ कैसे आदमी आते हैं? जिन्हें ना अपनी जिंदगी का ख्याल है ना घर की इज्जत की परवाह, बहन भाई दूज के दिन अपने शराबी भाई को शराब का टीका लगाने आई है। राधिका क्या तबीयत बहल रही है, एक हाथ में छलकता हुआ जाम, दूसरे में बोतल, आंखों में बेफिक्री की तस्वीर। एक जुआरी को ऐसी नसीहत से फायदा? जुआरी कौन नहीं भैया, ये जिंदगी खुद एक जुआ है। राजा भिकारी अमीर गरीब औरत मर्द, ये सब माया के रोशन अंधेरे में तकदीर से जुआ खेलते हैं। क्या आपने भाभी के जीवन में प्रेम का पौसा नहीं फेंका, दिल का दाव नहीं लगाया? जीत आपकी हुई, वो बेचारी तो अपना तन मन सब कुछ हार गई, फिर माता जी ने अपने जुल्म सितम का पौसा फेंका और आप दाव हार गए। अब अपनी हार का बोझ एक अबला के कंधों पर डालकर यहाँ गम गलत करने चले आए। भैया आपने तो गम गलत करने का एक शुगल निकाल लिया है, लेकिन उस बेचारी के गम तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपने उसके साथ आहुतियां डाली हैं, फेरे लिए हैं, उसकी पालना करने की कसम खाई है, उसका रक्षक बनने की प्रतिज्ञा की है। भैया कहाँ गई वो कसम, कहाँ गई वो प्रतिज्ञा? राधिका भैया जीवन में सिर्फ एक ही ऐसा साथी मिलता है जो आपके दुख सुख, आपकी मुस्कुराहटें, आपके गम सब में हिस्सा लेता है। कितना पवित्र रिश्ता है ब्याह का, कितना मजबूत बंधन है भैया। राधिका लेकिन आपने तो दूसरा साथी ढूंढ लिया है, और वो भी शराब, इसने कई घर तबाह कर डाले। अब वो बेचारी कहाँ जाए जिसके जीवन में भगवान के बाद आपकी जगह है भैया। अब मैं किसी के काम नहीं आ सकता। काहिर बुजदिल पियो पियो, ये किसी के अरमानों का खून है, किसी की हसरतों का खून है, किसी की आशाओं का खून है भैया, ये रूपा का खून है। बस ऐसा मत कहो राधिका। पियो रुक क्यों गए, कितना लजीज है रूपा का खून जो आपके सब काम भुला देता है। एक तरफ वो देवी है जो आज भी आपके नाम की रट लगा रही है, और दूसरी तरफ आप हैं जो दुश्मन को दूर से देखकर उस गरीब अबला को भयानक लंगूर में अकेला मरने को छोड़ाए हैं। इसे मर्दान भी नहीं कहते भैया, जिंदगी और मौत में लटकती हुई अबला को दिन रात लाते हो। नहीं राधिका नहीं, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं छूंगा, मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं छूंगा। राधिका तुम मुझे इस वक्त रूपा के पास ले चलो, मुझे रूपा के पास ले चलो राधिका। आज आज भाई दूज है, गुलाब ले आओ, रूपा को ले आओ। रूपा रूपा मैं आ गया हूँ, रूपा मैं आ गया हूँ। रूपा नाथ नाथ, क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? नहीं रूपा तुम ख्वाब नहीं देख रही, शराब के नशे ने मुझे अंधा कर रखा था रूपा, मैं अपनी सुध-बुध खो चुका था। अब मैं वादा करता हूँ मैं उसे कभी नहीं छूऊंगा रूपा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मुझे माफ कर दो रूपा, मैं उन सब से बदला लूंगा जिन्होंने तुम्हें इतना सताया है रूपा। तुम्हें किसने सताया है रूपा? बता, बताती क्यों नहीं? क्या बताऊं माता जी, तो गरीबों के मुंह हमेशा बंद रहते हैं। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, क्या हम हाथ फैलाकर परमात्मा से न्याय भी नहीं मांग सकते? बड़ा आया है न्याय मांगने वाला, शराबी जुआरी, मैंने तुझे जायदाद से भी बढ़कर कर दिया है, मैंने तमाम कार्रवाई पूरी करके रखी है। ये देख
वो देख, ईश्वर की अदालत में पापी बंदे खड़े हैं और ईश्वर सबके साथ एक जैसा न्याय कर रहा है। उसकी अदालत में अमीर गरीब सब एक हैं। रूपा तू रो रही है, तेरे सामने जो दुख की दीवार खड़ी है मैं सिर मारकर तोड़ दूंगा उसे। सिर मारकर तोड़। भैया मैं अभी दवाई लेता हूं। गुलाब भैया, मैंने तुझ पर हाथ उठाया, अरे मुझे माफ करना गुलाब। अरे मरने वाले को तो सब माफ कर देते हैं। भैया मैं जिंदगी में किसी के काम ना सका, मरने के बाद तेरे काम तो आ जाऊंगा। बीमे के पैसे तो मिल जाएंगे तुझे। अरे तुझे बूट पॉलिश तो ना करनी पड़ेगी। भैया भैया मैं अभी दवाई ले आता। आज भाई दूज मुझे भैया को टीका लगाना है, गुलाब को टीका लगाना है। भैया गुलाब गुलाब कहाँ हो तुम? चलो रूपा के पास, अगर वो नहीं आ सकती तो हम जाएंगे उसके पास। गुलाब गुलाब गुलाब। अरे बहुत देर लगाती गुलाब। भैया गुलाब 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 गुलाब। भैया क्या हुआ है तुझे? मेरे भाई मुझे बुला रहे हैं, मैं अपने भाइयों के पास जाऊंगी। पहले दीदी के पास भेज, पहले दीदी से तिलक करा ले, फिर अस्पताल चलूंगी। अच्छा। गुलाब मैं आ रही हूँ। भैया भैया रूपा मेरे भाई मुझे बुला रहे हैं। आज भाई मुझे मेरे भाइयों के पास जाने दो। मैं तुम्हें ले चलूं। भैया भैया देखो दीदी आ रही है। गुलाब गुलाब इसे क्या हुआ? भैया मोटर के नीचे आ गया था, कहता है बहन से तिलक करा लूं फिर अस्पताल जाऊंगा। सलामत रहे मेरे भाइयों की जोड़ी। भैया गुलाब मैं अपने खून से तिलक लगाऊंगी। घर उजड़ गया, हम बर्बाद हो गए, लेकिन आपकी चहलकदमी न गई। खामोश, मेरे इकलौते बेटे को घर से निकाल दिया, मेरे इकलौते दामाद को घर से निकाल दिया, तो बेटा ख्याल क्या का? ये तेरी ताने देने की आदत अभी तक नहीं जाती। मैंने सोचा था बहू घर में रहेगी, चंद्र भी लौट आएगा, लेकिन वो दोनों राधिका के यहाँ चले गए हैं। बिरादरी वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हैं, तुझे सिर्फ बिरादरी का ख्याल है, बहू बेटा जाए भाड़ में, तुझे क्या और बिरादरी को क्या? खबरदार, अगर बिरादरी का नाम फिर मेरे सामने लिया तो सर फोड़ दूंगा तेरा। हाँ मैं तो पहले ही पछता रही हूँ नाथ, और आप कुछ ना कहिए, जाइए उन्हें मना लाइए, उनसे माफी मांग लीजिए। मैं माफी मांगने जाऊँ? हाँ। सब काम बिगाड़ो तुम और बनाने जाऊँ मैं, घर से निकालो तुम और मनाने जाऊँ मैं, गालियाँ तुम दो और माफी मैं मांग लू? नहीं, तुझे ही माफी मांगनी होगी। हम दोनों माफी मांग लेंगे। नहीं मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, तुझे अकेले जाना होगा। अच्छा अगर आपकी यही जिद है तो मैं भी घर छोड़कर चली जाती हूँ, संभालिए अपनी जायदाद। अरे जा जा, तेरी ये रोज की धमकियाँ सुन के कान पक गए हैं मेरे, जा चली जा। लेकिन मैं जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी? देख ये झूठ मूठ का रोना फिर शुरू कर दिया तो मार मार के सचमुच ही रुला दूंगा तुझे। मुझे माफ कर दीजिए नाथ, मैं आपके चरण छूती हूँ, चलिए मेरे साथ उन्हें मना लाइए, उनसे माफी मांग लीजिए। उनसे माफी मांग लीजिए, लेकिन याद रख अच्छी तरह माफी मांगनी होगी। हाँ हाँ मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, चलिए। चाय चाय लाला मोतीलाल। सेठ जी जमाना बदल गया है और हम दोनों वही पुरानी लकीरें पीटते रहे, ये तुम सबसे माफी मांगने आई है? मैं ही माफी मांगू? हाँ। आप नहीं मांगेंगे? नहीं। सेठ जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? बेटी आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी अपनी बच्ची हो। मैंने जितने अत्याचार किए हैं, जितने जुल्म किए हैं, मुझे माफ कर दो बेटी। माता जी आज से तुम घर की रानी हो, ये लो चलो अपने घर।
माता जी शर्मिंदा ना करो, आज से तुम दोनों मेरी बेटियां हो और तुम सब मेरे बेटे हो। भगवान का शुक्र है कि बिगड़ी बना दी उसने। चिमन चलो तुम भी चलो बेटा। नहीं माँ जी, मैं फिर से घर जवाई बनना नहीं चाहता। हाँ कभी कभी आपके यहाँ आया करिए। बड़ा जिद्दी है। अब चलो। अच्छा मोती भैया आप आइएगा। जरूर आया करूँगा। जरूर आना। नमस्ते सर जी। अच्छा गुलाब, रूपा जाओ। भैया मोती भैया आप तो खुश हो ना। बैठ बैठ आप भी बैठ। बार बार